रुक करते हैं अगली खबर का। ये खबर है धमतरी से। यहाँ नान के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के पिता विद्यासागर अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह धमतरी पहुंचे। यहाँ उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि करीब 40 साल से रामगोपाल अग्रवाल से उनके पारिवारिक संबंध है। उनके पिताजी का निधन हुआ है, उसमें अपनी संवेदना वो व्यक्त करने के लिए पहुंचे। वहीं मध्य प्रदेश उपचुनाव के मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि देशभर में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें दोगुनी हो रही हैं, टैक्स हर रोज बढ़ रहे हैं, खाद मिल नहीं पा रही है, तो खाद के दाम बढ़ने से किसान परेशान है। नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद से कई उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, बंद हो गए, करोड़ों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। इसको लेकर जनता में बहुत ज्यादा नाराजगी और यही कांग्रेस का चुनावी मुद्दा भी है। मुद्दे तो वही हैं जो देश भर में हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें दुगनी हो गई हैं, सेंट्रल एक्साइज टैक्स रोज बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, खाद लोगों को मिल नहीं रहा है, खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं, राज्यों को खाद पर्याप्त मात्रा में दे नहीं रही है, डीएपी खाद इन्होंने समय पर इंपोर्ट नहीं किया, स्वयं कृषि मंत्री जी इसको स्वीकार कर रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद कई छोटे उद्योग बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, किसान परेशान है, पूरे तरीके से जनता में नाराजी है, उसका हमें फायदा मिलेगा।